नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वालों को प्यार में धोखा देने वाली राशियां कौन सी, ऐसी कौन सी राशियां जो कुंभ राशि वाले लोगों को हमेशा नुकसान देती है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो वायु तत्व के होते हैं, इनका एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट होने के कारण कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं। स्वभाव से चंचल होने के कारण जो ये लोग हैं ये हर किसी के ऊपर सही तरीके से भरोसा नहीं करते, और जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लेते हैं उनके लिए जीवन भी कुर्बान कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लोग जिन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं वही लोग इन्हें धोखा देकर चले जाते हैं, वही लोग इनका नुकसान का कारण बनते हैं। ये जिन लोगों के ऊपर दिल से भरोसा कर लेते हैं वो जो लोग होते हैं पहले इनका दिल जीतते हैं, इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर इनका दिल तोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी कौन सी राशियाँ हैं, तीन राशियाँ जो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली है? तो सबसे पहली राशि की बात करी जाए तो वो राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में और इमोशनली बातों में कुंभ राशि वाले लोगों को ले लेते हैं और इनका नुकसान, इनका जो काम होता है वो करके और इनको नुकसान दे के चले जाते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों, आपको दो और राशियाँ हैं जो जिनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहली राशि उसमें आती है कन्या और मकर राशि। कन्या और मकर राशि वाले जो लोग होते हैं इनसे भी आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि का एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट और मकर राशि का एलिमेंट भी होता है अर्थ एलिमेंट। ये जो दो राशियाँ हैं ये आपके लिए हमेशा नुकसान का काम करेगी, आप इनके ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे प्यार में कह लीजिए, चाहे बिजनेस में कह लीजिए, चाहे नौकरी में कह लीजिए। अगर इन राशियों का आपका बॉस है या इन राशियों का अगर आपके घर में कोई बड़ा भी है या इन राशियों से संबंधित कोई भी आपका रिश्तेदार है तो वो आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए आतुर रहेगा, वो कभी भी आपकी तरक्की नहीं पसंद कर सकता, आपको हमेशा नुकसान देने का काम करेगा। इसमें सबसे पहली राशि जो आई थी कर्क राशि, उसके बाद कन्या और उसके बाद मकर राशि। तो कर्क राशि जो है वो आपके छठे घर में आती है, कन्या राशि आपके अष्टम घर में आती है और मकर राशि जो होती है आपके बारहवें घर में आती है। यानी कि ये जो राशियाँ है आपके 6, 8, 12 के घरों में आती है। तो 6, 8, 12 का संबंध होने के कारण भी ये राशि वाले लोग आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देंगे। ये राशि वाले जो लोग होते हैं हमेशा आपके नुकसान का कारक बनते हैं, हमेशा आपकी चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं लेकिन कभी भी आपको अपनी चीज़ों का अधिकार नहीं देंगे, हमेशा ये आपके लिए नुकसान का काम ही करेंगे। आप दिल खोल कर इनके ऊपर कुछ भी भरोसा कर लीजिए, आप अपना सर काट कर इनके पावों में रख देंगे तो भी ये जो लोग होते हैं आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होने देंगे। तो कुंभ राशि वाले लोगों, इन राशियों से आप दूर रहिएगा, कर्क, कन्या और मकर, इन राशि के लोगों से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये लोग आपके जीवन में आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को ध्वस्त करने आते हैं। आपके जीवन में जो आप उन्नति प्राप्त कर रहे होते हैं आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं और आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देने आते हैं, तो इन राशियों से बच के रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जीवा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।